36 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी नहर में डूबे हुए युवक का शव बरामद नहीं। मृतक डेरी नगर थाना क्षेत्र के डीरिया गांव का रहने वाला है। परिजनों ने शव को खोजबीन करने को लेकर प्रशासन एवं अधिकारियों पर लापरवाही करने का लगाया आरोप है। मौके पर पहुंची अंचलाधिकारी अनामिका कुमारी का परिजनों को विरोध का सामना करना पड़ा। खबर रोहतास जिले के डेरी नगर थाना क्षेत्र के जगजीवन कॉलेज के समीप की है, जहां शुक्रवार की शाम 22 वर्षीय विकास कुमार सिंह, जो न्यू डिलिया के रहने वाले हैं, पानी में डूबने से इनकी मौत हो गई है। परिवार वालों ने बताया कि शौच करने गए थे और तभी यह घटना हुई है, परंतु शनिवार की दोपहर तक शव नहीं मिलने से परिजन नाराज हो गए और उन्होंने सड़क को जाम कर दिया। आइए सुनते हैं सड़क जाम करने के संबंध में परिजनों ने क्या कहा। वहीं खबर लिखे जाने या बनाए जाने तक रविवार की सुबह तक शव बरामद नहीं हुई थी। घटना स्थल पर SDRF की टीम पहुंच चुकी थी। आइए सुनते हैं इस संबंध में अधिकारियों एवं परिजनों ने क्या कहा। आप ये मत बताइए, ये रूल हम लोगों को मत बताइए कि आपको वहाँ चाहिए, हम वहाँ क्यों जाएंगे? और जाइएगा, वो ऑफिस है आपका, वो भी आपका ऑफिस है, क्यों नहीं जाइए? महोदय, वहाँ रिक्वेस्ट कर लिया गया, फोन सूचना वहाँ पे दिया गया, वहाँ से बताया गया कि सीओ मैडम से आप लोग एक बार बात कीजिए, वहाँ से यहाँ टाला जा रहा है, यहाँ से वहाँ टाला जा रहा है। आपने क्या उन्हें आवेदन दिया, क्या उन्होंने हमें फॉरवर्ड किया? हमें तो नहीं ये दिया। हमें इतना सिस्टम नहीं पता है, जब आपको नहीं पता है तो आप हमारा लोकतंत्र में, सुन लीजिए, हमारा लोकतंत्र में अधिकार है कि हम ये जाम करेंगे। आपका अधिकार है जाम करने का, बिल्कुल हम करेंगे, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन का बिल्कुल इसको जाम करेंगे। जिनको जरूरत होगा, हमारा ऊपर तकलीफ है, हमारा परिजन डूबा, हमारा व्यक्ति डूबा हुआ है, हम उसके लिए मांग कर रहे हैं। हम आपसे अनुरोध किए, प्रशासन से अनुरोध किए, सारे जगह आपको लिखित आवेदन दिया गया। उनको लिखित आवेदन आप दिए हैं? मांगे ही नहीं तो किसको दे? आप दीजिए ना, कैसे मुझे अब जान कर आइए, तो डूबा हुआ है और कहाँ जाएंगे? आपने हमें दिया तो हम SDRF मंगा रहे, नहीं दिए हैं और ये हमारा हंगामा कर रहे हैं, नहीं दिए। क्यों रोड जाम किए हुए हैं? क्या मामला? कल मेरा 7 बजे शाम से कल मेरा भाई पानी में डूबा है, तब से प्रशासन कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही है, कोई एक्शन नहीं दिखा रहा। हम लोग कल शाम को 8:30 बजे सूचना मिली है, उसके बाद से हम लोग लगातार प्रयास में लगे हुए। रात को हमें यह कहकर टाल दिया गया कि रात हो गया है, सुबह देखा जाएगा। जब सुबह आए हैं तो बोला गया कि 10 बजे का ड्यूटी है, 10 बजे देखा जाएगा। 10 बजे से भी हम लोग थाना में भी आवेदन दिए, CO ऑफिस भी आवेदन दिया, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, ना ही पानी को कम करवाया जा रहा है। गोताखोर आया तो वो भी उनको ना ही कोई सुविधा दिया गया, वो भी बोल रहे इतना पानी में हम कैसे उतरेंगे, जब तक कुछ पानी नहीं कम किया जाएगा या कुछ सुविधा नहीं दिया जाएगा तब तक कैसे उतरेंगे। 24 घंटा होने वाला है, कोई हमें सुविधा नहीं मिली, मेरे भाई का अभी तक कोई अता पता नहीं है, सारा प्रशासन ढीला पड़ा हुआ है, प्रशासन के लिए मुर्दाबाद। क्या मामला है? मामला है कि कल तकरीबन 7 बजे का घटना है, एक लड़का आया था यहाँ पे मनेरी बिघा का और यहाँ आकर के नहर में डूब गया। किस कारण से डूबा, कैसे डूबा, इसकी अब तक कोई जानकारी नहीं है। प्रशासन के माध्यम से मोबाइल और उसका गाड़ी को ले गया गया थाना में, थाना से सूचना दिया गया उसके परिजन को कि यहाँ पे आपका लड़का डूब गया है नहर में। कल से लोग आ करके अस्त-व्यस्त रहा, कल मामला को टाल दिया गया कि आज रात है, कल किया जाएगा। CO मैडम को लिखित आवेदन दिया गया, प्रशासन को दिया गया, CO मैडम का अभी तक इस पे किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ। गोताखोर 2 बजे आया, 2 बजे दो गोताखोर आए, उनका कहना है कि यहाँ पे इतना पानी है, जब तक पानी बंद नहीं होगा तब तक हम लोग इसमें नहीं गोता लगाएंगे और नहीं डूब पाएंगे। आप देख सकते हैं क्या परिजन का स्थिति है, अब तक सुबह कल से लेकर के आज तक ये 20 घंटा होने जा रहा है, अब तक किसी तरह का कोई मदद नहीं मिला हुआ है, कोई बॉडी नहीं मिला, कभी अभी तक पता नहीं लग पाया। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि कम से कम जो हो गया उसको हम लोग नहीं पीछे जाएंगे, पानी बंद करके कम से कम बॉडी को निकाल दिया जाए और परिजन को दिया जाए। क्या नाम पड़ेगा? नीलकमल पांडे मेरा नाम हुआ।